रहे हैं और बैलेट पेपर पर चुनाव होंगे तब तक इस देश की जनता दिल्ली से हटेगी। महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में जिन्होंने एक अच्छी तरह से उसका एक्सपोज किया वो हमारे पत्रकार है निरंजन टकले जी, उनसे कहूंगा कि वो आपको डिटेल में बताए कि क्या फ्रॉड है। और लोहिया मर्डर के जस्टिस लोहिया मर्डर केस भी इन्होंने ही सबसे पहले लाया है सामने, लोगों के सामने लाया है और इस सबके लिए बहुत तकलीफ भी झेली है और लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है, आज भी हमारे साथ मिलकर लड़ने को तैयार है। ये जो आंदोलन है ईवीएम का, और जैसे हम लोगों को सबको पता है 23 तारीख को जब रिजल्ट आने शुरू हुए थे तो 23 तारीख तक या हम कह सकते हैं 22 तारीख तक पूरा नेशनल मीडिया, जब से 11 अप्रैल को पहला वोटिंग का राउंड हुआ, पहला फेज हुआ, उस दिन से पूरा नेशनल मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा था कि पहले फेज में बीजेपी या एनडीए को 30 सीटों का झटका लगेगा। तीन फेजेस जब हो गए तब कह रहे थे 92 सीट्स का झटका लगेगा, 7 राउंड होने के बाद कहने लगे कि 140 या 145 सीट का फटका बैठेगा सिर्फ उत्तर प्रदेश में, महागठबंधन की वजह से बीजेपी को 45 सीटें खोनी पड़ेंगी, ये सारा मीडिया रिपोर्ट कर रहा था। हम ये पिछले 4-5 साल से ये जानते हैं कि भारत की 50% पॉपुलेशन जो मतलब किसान है, जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, वो हर स्टेट में नाराज है। हर स्टेट के किसान इस सरकार के कामकाज के साथ, रवैये के साथ और पॉलिसीज के खिलाफ पिछले 4 साल से पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। हमको पता है कि सिख ये इतनी प्राउड रेस है, इसके बावजूद वो पाप मानते हैं सुसाइड को, इसके बावजूद पंजाब में पहली बार इतनी सुसाइड हमको देखने को मिली किसानों की। तो हमको पता है कि 50% किसान इसके खिलाफ थे। इसके अलावा जो बेरोजगार है, जो मतलब पढ़े लिखे नौजवान है लेकिन नौकरियां नहीं मिल रही है, ऐसे हमने देखा कि एक 350 के ऊपर का मैंडेट, 45.6% का वोटिंग मैंडेट प्रेजेंट गवर्नमेंट को मिला, प्रीवियस गवर्नमेंट को मिला। और मैंने मेरे बचपन में जो देखा था 1980 में जब इंदिरा गांधी रिटर्न टू पावर, तो 40% वोट शेयर मिला था और आम लोग, आम नागरिक रस्ते पर आकर खुशी मना रहे थे, नाच रहे थे। यहाँ 45% से ज्यादा वोट्स मिले लेकिन कहीं भी सेलिब्रेशंस नहीं दिख रहा है। उस दिन मैं कैमरे के साथ घूम रहा था सेना भवन के सामने, 19 लड़के नाच रहे थे, 19 लड़के, एक उनका कॉरपोरेटर चुन के आता है तो पूरा चौक भर जाता है। यहाँ 18 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आए लेकिन नाच 19 रहे थे। तो हमने देखा है ये उनके लिए भी ये शॉकिंग था, उन्होंने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो हम ये पूरी तरह से बिल्कुल मानना है कि ये ईवीएम सरकार है। और ये क्यों ईवीएम सरकार है, ये ईवीएम सरकार क्यों है, क्योंकि उस दिन से जब से वो 2 बजे के बाद ट्रेन सेट शुरू हो गए तो पूरी रात को और उसके बाद 3 दिन मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स मेरे साथ बैठकर हम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का डेटा निकाल रहे थे, वोट्स पोल्ड और वोट्स काउंटेड। तो वोट्स पोल्ड और वोट्स काउंटेड में महाराष्ट्र के 48 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो असेंबली के 288 सेगमेंट्स है, 288 सेगमेंट्स में कहीं भी किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट्स काउंटेड ये मैच नहीं होते हैं वोट्स पोल्ड के साथ, ज्यादा है हर जगह पर ज्यादा है। फिर दूसरी स्टेट्स का शुरू किया था, मध्य प्रदेश में 203 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोट्स पोल्ड और वोट्स काउंटेड मैच नहीं होते। हम अगर पूरे देश का अभी तक पूरा नहीं हुआ है लेकिन अभी तक पूरे देश का जितना अभी तक पूरा हुआ है 340 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बिल्कुल वोट्स काउंटेड और वोट्स पोल्ड मैच नहीं होते। अब वो फर्क कितना है, फर्क 100 से लेकर हजारों तक का फर्क है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। लेकिन बात यह है कि अगर फर्क है तो हम ईवीएम पर यकीन नहीं कर सकते, सीधी बात है। पंजाब यह अकेला स्टेट है, पूरे इंडिया में अकेला पंजाब स्टेट है जहां पर वोट्स पोल्ड और वोट्स काउंटेड ये मैच हो रहे हैं, बिल्कुल 0 का डिफरेंस है, कोई फर्क नहीं है पंजाब के किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में।
तो बाकी 27 स्टेट्स में क्यों है? और बाकी 27 स्टेट्स में है क्योंकि ये प्रोग्राम था। हमने देखा है कि ये फेसबुक पर भी ये फोटोग्राफ्स आए थे। लंदन में जो 21 जनवरी को सैयद शुजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ईवीएम हैकिंग के बारे में, मैं वहां भी था। मैं पूरा उसने जो बताया 2013 से लेकर क्या क्या हुआ ECIL में, वो सब मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, वो मेरे पास है, वो क्रॉस वेरिफिकेशन हुआ है। बात यह है कि सैयद शुजा जब US पहुंचा जख्मी हालत में, तो उसने वहां पर जाकर असाइलम मांगा था। भारत में असाइलम देना ये पॉलिटिकल डिसीजन है। तस्लीमा नसरीन को असाइलम देना है या नहीं देना है ये सरकार तय करती है, लेकिन वहां कोर्ट तय करता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, डलास की कोर्ट में उसका केस चला और फरवरी 2018 में डलास कोर्ट ने उसको असाइलम ग्रांट किया। उसने जो भी दावे किए थे वो सारे दावे वेरीफाई होने के बाद, वो ऑथेंटिकेट सब्सटेंशिएट होने के बाद एंड सब्सटेंशिएटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी नन अदर एजेंसी, उसके बाद उसको असाइलम ग्रांट हुआ। अगर उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सरकार की तरफ से या बीजेपी की तरफ से एक भी स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है। अगर वो झूठ है, अगर वो झूठ कह रहा है, अगर वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को डिस्क्रेडिट कर रहा है, तो भारत सरकार कोर्ट में जाकर उसका असाइलम क्यों चैलेंज नहीं कर रही है? जनवरी से लेके अभी जून आ रहा है, जनवरी से लेके जून तक 6 महीने हो गए, 6 महीने में भारत सरकार ने उसका असाइलम चैलेंज क्यों नहीं किया? ये सीधा सीधा सवाल है। बाकी जो ईवीएम प्रोग्राम की अलग अलग टेक्निक्स है, हमने कई कॉन्स्टिट्यूंस में जो पता था, मैंने मेरे एक साथी को ये बताया भी था 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज का, कि अगर ये चुन के आते हैं ये लोग तो हम मान सकते हैं कि सिक्वेंशियल प्रोग्रामिंग भी हुआ है। तो और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के इसमें एक मास्टर अलॉट किया जाता था, वो मास्टर इसेंशियल, अगर और कैंडिडेट्स हैं तो मास्टर 3 पर या 5 पर या 1 पर होता था, जो मतलब वोटिंग शुरू होते ही 15% एडिशनल वोट्स उस नंबर को ट्रांसफर किए जाते थे और वो रूलिंग पार्टी या रूलिंग कोएलिशन का कैंडिडेट होता था। इवन नंबर्स में भी इसी तरह से फॉर्मूला क्रिएट किया गया था, जहां पर अपोजिशन कैंडिडेट को 20% से ज्यादा अगेंस्ट वोट मिले हो, ज्यादा वोट मिले हो, वहीं पर गुंजाइश रह जाती थी वो चुनकर आने की। अदरवाइज 15% तो उसको गारंटेड ट्रांसफर हो सकते थे। तो इस हालत में और इतनी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोट्स पोल्ड और वोट्स काउंटेड में इतना फर्क दिखने के बाद, और इतनी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये फर्क दिखने के बाद, हम कह सकते हैं कि 340 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो मल्टीप्लाइड बाय 6 मिनिमम अगर हम करके देखेंगे तो भारत के करीब 2000 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डेटा मैच नहीं हो रहा है। और अगर नहीं हो रहा है तो हम इसके खिलाफ रहेंगे। ये ट्रांसपेरेंट प्रोसेस नहीं है। जो जनवरी में इलेक्शन कमीशन को कहा गया था कि आप बैलेट पर इलेक्शन लीजिए, तब इलेक्शन कमीशन ने यह एब्सर्ड लॉजिक दिया था कि हमारे पास वक्त नहीं है बैलेट पर वोटिंग करने के लिए। हम सब इतने सारे इलेक्शंस देख चुके हैं, हमको पता है कि कैंडिडेट्स नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं। तो इतने सारे चुनाव देखने के बाद हमको पता है कि कैंडिडेट नॉमिनेशन फॉर्म फाइल कर देते, उसके बाद विड्रॉल की लिमिट होती थी, उसके बाद स्क्रूटिनी होती थी, और स्क्रूटिनी होने के बाद हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जब कैंडिडेट के नाम फाइनल होते थे उसके बाद बैलेट पेपर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रिंट हो रहा था। यहां चुनाव होने थे अप्रैल और मई में, लेकिन जनवरी में इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि हमारे पास वक्त नहीं है। नॉमिनेशन फॉर्म भरने की प्रोसेस भी शुरू नहीं हुई थी और वो पूरी होने के बाद बैलेट पेपर प्रिंट करना था, तो जनवरी में हमारे पास वक्त नहीं है ये कहने में कोई लॉजिक नहीं था। लेकिन फिर भी इस तरह से एब्सर्ड लॉजिक सबको दिया गया कि हम बैलेट पर नहीं कर सकते। फिर वीवीपैट को, हर वीवीपैट को काउंट करने की बात हुई, हर पर्ची की गिननी चाहिए इस डिमांड की मांग की गई, उसको नकारा गया। यह कहा गया कि उसको 6 दिन लग जाएंगे। अब डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है या दिन इंपॉर्टेंट है? अगर डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है तो 6 दिन लगेंगे। 100% बैलेट पेपर पर जहां वोटिंग होता था वहां 1.5 दिन में जब होता था तब 1.5 दिन में चुनाव के नतीजे हमारे सामने आते थे, अब 6 दिन बाद आ जाएंगे। तो स्लिप गिनने के लिए 6 दिन क्यों लगेंगे, इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन स्लिप गिनने के लिए अगर 6 दिन भी लगते हैं
तो डेमोक्रेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने दिन लगते हैं ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके बावजूद उसको भी नकारा गया। फिर ये रिक्वेस्ट की गई कि 50% ईवीएम आप काउंट करो, उसको भी नकारा गया। 25% काउंट करो, उसको भी नकारा गया। फिर कहा गया कि एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में 5 ईवीएम सिर्फ हम काउंट करेंगे। अब एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 ईवीएम अगर आप काउंट कर रहे हो तो उससे तो कुछ भी नतीजा सामने नहीं आएगा, उससे कुछ भी ट्रेंड दिखेगा नहीं। उसके बावजूद हुआ यह कि तमिलनाडु में जब वीवीपैट काउंट हो रहे थे तो मिसाल के तौर पर एक बूथ पर एक ईवीएम काउंट हो रहा था, एक वीवीपैट काउंट होना था, ईवीएम पर तेलुगु देशम को एक वोट दिखाया गया था उस बूथ पर, एक वोट। जब वीवीपैट काउंट हुआ तो तेलुगु देशम को 975 वोट थे। तो 975 वोट अगर वहां पर वीवीपैट पर थे तो वो ईवीएम में एक ही काउंट कैसे हुआ? और अगर हुआ तो इसका मतलब ये प्रोग्राम था कि 974 वोट कहीं और जाएंगे। अगर ऐसा है तो हमको इस पूरी प्रोसेस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होना चाहिए और नहीं हो सकता है और नहीं है। और इसके लिए ये पूरा आंदोलन की हमारी बात हुई कि इसके लिए एक आंदोलन पूरी देश में खड़ा होना चाहिए। आज नागालैंड से लेके मणिपुर से लेके मिजोरम से लेके महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, गुजरात के हर जिले में यह आंदोलन हो रहा है। और मैं मतलब ये हम उम्मीद रखेंगे कि यह आंदोलन बढ़ता जाए, क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं है। हमको पता है कि इलेक्शन कमीशन नहीं मानेगा, सुप्रीम कोर्ट को भी मानने के लिए लोगों का ये प्रेशर होना बहुत जरूरी है और इसके लिए आगे आना पड़ेगा। और डेमोक्रेसी का हर फ्रूट हमने इतने साल खाया है, अगर आज उसको बचाना है तो उसकी जो भी कीमत होगी वो कीमत चुकाने के लिए भी हमें तैयार होना होगा, चाहे वो कोई भी कीमत चुकानी पड़े। शुक्रिया।